छत्तीसगढ़ में आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एडीजी पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली के आदेश जारी हो गए हैं। पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। 27 सितंबर 2020 से निलंबित चल रहे थे। बता दें 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं पुरुषोत्तम शर्मा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उनके बहाली के आदेश जारी हो गए हैं। एडीजी पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली के आदेश जारी हो गए हैं। और बता दें पत्नी से मारपीट का वीडियो सामने आया था। एडीजी पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली के आदेश जारी हो गए हैं। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, आदेश जारी हुए हैं IPS पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली के, क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक? साल पहले जाना होगा, 2 साल पहले पुरुषोत्तम शर्मा जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगा था, उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि उन पुरुषोत्तम शर्मा उनके साथ मारपीट करते हैं। मामला थाने और उसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा पर सवाल उठे, सरकार ने उसके बाद उनको निलंबन कर दिया गया, जिसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा केट पहुंचे और केट में उन्होंने इसको लेकर ये कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। वहां से राहत मिली, लेकिन सरकार की तरफ से निलंबन खत्म नहीं किया जा रहा था, उन्हें फिर से बहाल नहीं किया जा रहा था। लेकिन 2 दिन पहले न्यूज मोर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही बता दिया था कि DGP सुधीर सक्सेना और इसके साथ साथ गृह विभाग के ACS है, उनके बीच में इसको लेकर पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत हुई, पुरुषोत्तम शर्मा वाले मामले को लेकर। और ये कह सकते हैं कि बातचीत हुई और बातचीत के बाद पूरा मामला और ये कह सकते हैं 2 दिन पहले ही बता दिया था कि जी ठीक है। बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली के आदेश जारी हो चुके हैं। आगे